रात का 3:30 हो रहा है। दो बजे से जगा हुआ, जगह जगह लग गया है भूख, खा रहा हूँ बिस्किट। और नींद ना आने की वजह से ना मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर क्यों, कौन है वो इंसान जिसकी वजह से मेरी नींद छिन चुकी है और मुझे पता तक नहीं है। क्या वो मोदी जी हैं? मोदी जी की वजह से मेरी नींद चैन उड़ चुका है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मेरा रातों का नींद हराम हो चुका है मोदी जी की वजह से। किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। अगर मैं भी बच होता तो यही बोलता। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। राहुल गांधी होता तो यही बोलता। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल होता तो यही बोल रहा हूँ। क्या मैं ऐसा नहीं बोलूंगा? यही है पॉलिटिक्स। कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, लेकिन ब्लेम किसी और पे थोप सकते हो आप। मोदी जी के वजह से मुझे नींद नहीं आ रहा, कितना सिंपल है कह देना। लेकिन नींद क्यों नहीं आ रहा है तो मुझे भी नहीं पता। खैर, वजह तो कुछ और ही होगा। अब नींद नहीं आ रहा तो रात थोड़ी खराब कर सकते, एंजॉय करो। मैं बिस्किट खा के एंजॉय कर रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, सुप्रभात। अभी 5:30 हो रहा है, कल 11 बजे सोया हूँ, 2 बजे से जगा हूँ, मतलब 3 घंटा सोया हूँ और 3:30 घंटा से जगा हुआ हूँ। और सुबह हो गया और अब मैं नहीं मिलने वाला है। और 3 घंटे की नींद में क्या होगा जब समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये वो मौसम, सूरज निकल रहा है, ये देखो सूरज निकल रहा है, जिसकी वजह से ऑरेंज ऑरेंज भगवा कलर आसमान में छा रहा है। और कोई प्लेन बहुत दूर से कहीं गया है, जिसके वजह से ये लाइन दिख रहा है। अब दिन शुरुआत करने का समय भी हो चुका है, तो चलते हैं दिन का शुरुआत करने। पर सुबह उठते हो तो यही सब फ़ायदा है ना कि सूरज उगते हुए देख सकते हो। मैं थोड़ी देर और रिकॉर्ड करूँ तो ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है ये आँख का गोला सुबह सुबह देखने में। तो ये और जूम करके लग रहा है, देखो ये 2 मिनट में इतना ज़्यादा, अब ये सुबह हो गया, 1 मिनट में इतना निकल गया। और जब मैंने पहली बार छत पे चढ़ा था 2 मिनट पहले, तो ये हल्का सा नज़र आ रहा, 2 मिनट में पूरा दिखने लग। और ये ऑरेंज ऑरेंज इतना बढ़िया लग रहा ना देखने में। खैर, मैं चला दिन का शुरुआत करने। और देखो 3 घंटे नींद के बाद भी रिफ्रेशमेंट वही है, ताजगी चेहरे पे वही है। और लग नहीं रहा है ना कि 3 घंटा सोया हुआ और 2 बजे से जगा हुआ, लेकिन सर हल्का हल्का भारी लग रहा। खैर, मैं चला दिन का शुरुआत करने, मिलते हैं फिर आगे एक ब्लॉग में। बाय बाय। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। रात भर तो सोया नहीं हूँ 2 बजे के बाद, तो मैं रात में ना ये खा रहा था, रोस्टेड आलमंड काजू था तो ये खा रहा था। इसमें से मैंने पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया, लगभग ये 250 ग्राम का होगा, 250 ग्राम का पैकेट है, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। इसमें एक चीज़ दिखा था मुझे कल रात में, वो है ये, डू नॉट हीट ऑक्सीजन एब्जॉर्बर। तो मैंने ये रात में भी देखा था, तो मैंने सोचा इसमें पता नहीं क्या है कि ये हीट भी नहीं करना है, खाना नहीं समझ में आता, और ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब क्या करता है, कि इसमें है क्या। तो चूल्ही मच रही थी तो मैंने सोचा कल सुबह में देखेंगे, तो इसको फाड़ के देखते हैं इसमें है क्या। कि ये
ये पता नहीं क्या, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा है। ये इसी में से तो निकला है। खैर जो भी हो, बस काला काला निकला है ये बालू की तरह, बालू की तरह है, काला बालू। कैसे बालू को भूंज दो ना तो कैसे लगता है, बालू को आग में जला देने पे पड़ता नहीं पर क्या है, यह हम भी कर सकता है। इसलिए मैं तो चला नहाने अब, क्योंकि मुझे बाहर भी निकलना है। पर ऐसी चीज़ें आप भी ना करें, अगर प्रिकॉशन ये दिया रहे ना कि नहीं करना है तो नहीं कीजिए। ऐसे चूल मचे तो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें ना करें। खैर मैं भी चला नहाने और फिर निकलना भी है, मेरे पास आधा घंटा समय ही है। नहाना है, पूजा करना, नाश्ता भी करना और निकलना भी। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर आगे। ये हमारा ना पुट्टी मिक्स हो रहा है मशीन से और इसके बाद ही ये दीवारों पे चढ़ता है कुछ इस तरह से। ये पेंट से नहीं, ये फिर पुट्टी चढ़ाने के बाद ये पेंट, ये पानी मारा जाता है पेंट ब्रश से। ये जब पुट्टी चढ़ा दिया जाएगा तो पुट्टी वैसे ब्लेड से चलता है, चढ़ता है। और हमारा हो रहा है प्लास्टर का काम, भीगा भीगा हुआ पूरा घर। सारा काम निपट जाएगा ना तो बड़ा बढ़िया लगेगा देखने में। अभी इधर उधर कचरा फैला हुआ है सिर्फ। देख लो किस तरीके से कचरा फैला हुआ। ये डिजाइन हमारा सारा रूम में बन चुका है, सारा रूम में अलग अलग। तो ये थोड़ी सी खूबसूरती और बढ़ा ही देता है घर का और सुंदर लगने लग जाता है। और ये अभी और पुट्टी अभी होगा ही, पुट्टी और होगा तो और सुंदर लगेगा देखने में। इसमें बालू था तो इसमें हमारा डिजाइन नहीं बन पाया है बालू की वजह से। ये अलग डिजाइन। मैथ का यहीं पे एक काम दिखा है मुझे, ये देखो सारा कैलकुलेशन करके किया गया, ज्योमेट्रिक टाइप, ज्योमेट्रिक का काम, मैथ का काम यहीं पे एक दिखा है मुझे, वरना अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखा था। क्या आपको दिखा था मैथ का कहीं यूज रियल लाइफ में? ये डिजाइन वगैरह बनाने में खूब मैथ का यूज हुआ है, कंपास का। दोपहर का लगभग 3 बज रहा है और इतनी गर्मी में भी ना मुझे सुकून नहीं, इसलिए ना चेहरा का हालत तो खराब हुआ हुआ है। इतना धूप कर रहा है ना, लगभग 43 डिग्री टेम्परेचर फिर से वापस हो चुका है और इतना धूप कर रहा है कि स्किन जल रहा है बाइक चलाने में। और फेस का तो पूछो ही मत, इतना ख़राब लग रहा है ना फेस। मैं सुबह 9 बजे से निकला हुआ था, 2 बजे 1.5-2 बजे आया हूँ, 1.5 बजे, और अभी 3 बज रहा है, बजा भी नहीं। और अभी फिर से निकल रहा हूँ, इतना ज़्यादा हैरासमेंट हो जाता है ना, ऊपर से नींद भी पूरा नहीं हो पा रहा। चुरा के नींद, एक सॉन्ग है ना, चुरा के नींद या गोरिया चली करके कुछ ऐसे। हम गोरिया नींद नहीं चुरा के ले गए, लेकिन मैं कुछ बोलने के हालात में हूँ नहीं। मैं सोने जा रहा था, नींद लग रहा था, लेकिन सो भी नहीं सकता। खैर मैं चला, देखते हैं फिर शाम में कब आता हूँ। 6 बजे के पहले आऊँगा, अभी नहीं, थका हुआ हूँ, आके सोऊँगा अगर नींद आ जाए तो। सब मिल पाए तो अभी नींद आ रही है मुझे, अगर समय मिल पाएगा तो सोएंगे, नहीं मिल पाएगा तो खैर चलो निकलते हैं पहले। देखो अगर नहीं रहोगे तो ये कर देते हैं लापरवाही, मिस्त्री का हरामीपन है। इसमें बहुत सारा कचरा डाल दिया उन्होंने और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। जब मैंने साफ करवाने गया तो पता चल रहा है कि कितना कचरा भर दिया इन्होंने और सारा जम चुका है। तो क्या बोला जाए, गाली सुनने वाला लोग काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हरामी हरामी लोग होते हैं। खैर छोड़ो, अभी लगभग वक्त 3:54 हो रहा है, मतलब 4 बज रहा है, 4 बज रहा है। और मौसम देखो, धूप नहीं है आज, हवा चल रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा है। और
शायद कहीं बारिश वगैरह हो रहा होगा जिसका ये थोड़ा बहुत असर है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी एक डेढ़ घंटा में मैं भी यहाँ से निकलूँगा फटाफट, तो हो जाए सारा काम, तो मिलते हैं फिर। देखो बिरयानी तो ऐसे कई प्रकार की होती है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, और जो इन दोनों बिरयानी को नहीं खाते वो खाते हैं भेज बिरयानी जो पनीर डाला हुआ रहता है। तो इनमें से भेज बिरयानी में मेरा सबसे पसंदीदा है चिकन मटन बिरयानी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खाता हूँ चिकन बिरयानी, क्योंकि चिकन बिरयानी जगह जगह मिल जाता है, मटन बिरयानी बहुत कम जगह मिलता है। लेकिन आज मैं खाने जा रहा हूँ पनीर बिरयानी, और टेस्ट करके देखते हैं ये है कैसा। ये गर्म गर्म है तो टेस्ट तो मस्त है, खाने में भी टेस्टी लग रहा। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मटन बिरयानी का बात अलग ही है। चलो मिलते हैं फिर कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, और बिरयानी खाया करो। अगर आपको नॉनवेज नहीं पसंद तो वेज खाया करो, अगर नॉनवेज बिरयानी पसंद है तो नॉनवेज बिरयानी में मटन बिरयानी खाया करो, मज़ा आ जाएगा खा कर। चलो बाय।